नमस्कार, मैं रोहित कुमार, SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ के हिंदी में जो गद्य पढ़ना है आपको, उसका आज पांचवा चैप्टर है, यानी कि आज आपको मिलेगा इस पर पांचवा वीडियो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। जो यह रोज कहानी है, इसको अंजे जी ने लिखा है। किसने लिखा है? अंजे जी ने लिखा है। इनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद, और इनका संक्षेप में नाम है अंजे। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि इनका पूरा नाम क्या है। और इसमें दो मुख्य पात्र है, एक का नाम है महेश्वर जो डॉक्टर है पेशे से, और दूसरे इनके पत्नी है जिनका नाम मालती है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे। और इसमें जो गैंग्रीन नाम का उल्लेख किया गया है, यह एक बीमारी का नाम है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे हम लोग इसका एक एक करके देखेंगे ऑब्जेक्टिव। पहला कह रहा है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, मतलब इस बीमारी का नाम किस कहानी में उल्लेखित है, लिखा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मालती किस कहानी की पात्रा है। ये तो इसमें क्या हो जाएगा, रोज। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, किसने पूछा, लेखक ने पूछा। चलिए फोर नंबर देखिए। फोर नंबर कह रहा है कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंजे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो इनके द्वारा लिखा गया कहानी कौन है, रोज। अंजे जी के द्वारा लिखा गया कहानी कौन है, रोज। अंजे मूलतः क्या है, या क्या है अंजे जी जो है, यह मुख्य रूप से क्या है, यह एक कहानीकार है, यह एक कहानीकार है। अंजे जी ने इंटर कहाँ से किया था, अंजे जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो इन्होंने मद्रास से इंटर किया था। अंजे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, 1924 ईस्वी में। आठ नंबर कह रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती। क्या नाम है उसके पत्नी का, नाम मालती है। अंजे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, कौन सी कहानी, यानी कि रोज। इसके बाद में कह रहा है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, तो चार वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, चार वर्ष बाद। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था, तो अभी बताए थे कौन सी बीमारी की चर्चा है इसमें, गैंग्रीन। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर। क्या नाम था, महेश्वर। तेरह नंबर कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अंजे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो रोज लिखे थे, जो रोज कहानी लिखे थे, इसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और भी कई कहानियों से इनको पुरस्कृत किया गया है, कहानी लिखे हैं। तो अंजे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, तो इन्होंने किस हाथों से लिखा हुआ पत्रिका को प्रकाशित किया इन्होंने, तो आनंद बंधु। कौन था, आनंद बंधु। अंजे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो पत्रिका सेवा। उसका नाम क्या था, पत्रिका सेवा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, आम लेकर आया था। कहानी पूरा पढ़ेंगे समझ में आएगा। उसके बाद में सत्रह नंबर कह रहा है कि रोज, जो रोज कहानी है, तो कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा हुआ है, तो डॉक्टर कौन है, तो महेश्वर। कौन है, महेश्वर। अठारह नंबर कह रहा है अंजे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, 10 साल की उम्र था तब ये से इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। मालती का पति क्या था, डॉक्टर था। तार सप्तक का संपादक कौन है, तार सप्तक का संपादक कौन है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंजे जी।
उसके बाद कह रहा है कि अंजय किस वाद से संबंधित है, किस वाद से संबंधित है, तो प्रयोगवाद से। किस वाद से? तो प्रयोगवाद से, प्रयोग पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। ये 22 नंबर कह रहा है कि इनमें अंजय का नाटक कौन है, तो कौन उनका इसमें नाटक लिखा हुआ है 22 नंबर में, तो उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है, तो बीमारी से, क्या है? बीमारी है। उसके बाद में कह रहा है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, टिट्टी नाम था। क्या नाम था? टिट्टी। इनके जो संतान थे इनके क्या नाम था? टिट्टी नाम था। नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? अंजय जी की रचना है। 26 नंबर कर अंजय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुई, तो बताए थे कि कई को रचना पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि कितनी नाव में कितनी बार। 27 कर है अंजय का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अंजय के पिता का नाम था, क्या था? हीरानंद। क्या नाम था इनके पिता का नाम? हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक अंजय जी की है, इसमें से कौन सी पुस्तक अंजय जी के है, तो हरी घास पर क्षण भर। कौन सी रचना अंजय जी की नहीं है, तिरछी। कौन सी रचना इनका नहीं है, तो तिरछी। उसके बाद में कह रहा है कि रोज कहानी का नायिका तो मालती है। कौन है? मालती है। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो 11 घंटे। क्या? 11 घंटे। कौन सी कृति अंजय की नहीं है, पलव। कौन कृति? तो पलव। 35 नंबर कह रहा है कौन सी कृति अंजय की है, कौन सी कृति अंजय की है, तो नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। रोज इनमें से क्या है, रोज इनमें से क्या है, कहानी है। क्या है? कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के रचनाकार कौन थे, अंजय जी। कौन थे? अंजय जी। शेखर एक जीवन किस विधा की कृति है, उपन्यास। किस विधा की कृति है? उपन्यास। अंजय जी के माँ का नाम था, तो इनके माँ का नाम क्या था? बयंती देवी। अब इनके पिता का नाम क्या था, तो हीरानंद शास्त्री। 40 कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो कोई बताएगा, अंजय जी।